So very good morning to all. Hello everyone. Very good morning. Am I audible? Please let me know. So guys, today because of the coronavirus and all, so I'm not able to reach the studio. So we are taking the session from the home. So all of you are here. Okay. Hello guys. Please let me know that everything is all right or not. Today again we are going to discuss very important topics. Okay, are you ready? Look, this is the current affair course. जैसा कि आपका जो 60 days का जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, okay? As you all know कि आपका 60 days का क्रैश कोर्स है, इसमें करंट अफेयर्स में ले रहा हूँ. आपकी डेली 7 AM पे क्लास होती है. हम कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं 2 years का. सो प्लीज पे अटेंशन, 2 year का कंप्लीट करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो सभी यहाँ पे आ जाइए. ओके, द कोरोना वायरस एंड ऑल इज हियर, सो प्लीज स्टे सेफ. ओके गाइज, एंड दैट्स दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू रीच द स्टूडियो, बट हमारी जो लर्निंग है वो भी सफर नहीं होनी चाहिए. That's why I'm here. Okay, let's start. As you all know, करंट अफेयर यहाँ पे कवर होने वाला है और पूरा आपका करंट अफेयर का कवरेज लास्ट 2 years का सभी सब्जेक्ट का. ओके, कंप्लीट करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग ऑल. प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एन इशू. ठीक है ना, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ गफर. या यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस. या यस गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि सर हम इस पर कम्प्लीटली रिलाई करें नहीं करें. यस गाइज, आप कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 years का जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो करंट है आपका, दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली गाइज, वेरी क्लियरली, एंड आई एम टेलिंग दिस विथ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अनअकैडमी की जो पूरी टीम है उसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क किया है, एंड वी आर गिविंग यू दिस क्वालिटी कंटेंट, द बेस्ट कंटेंट. ओके, एज फार एज दिस करंट अफेयर्स आर कंसर्न. सो प्लीज बी रेगुलर. ओके, ट्राई टू बी रेगुलर. आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे और कम से कम आप यहाँ पे 30 minutes रहेंगे. डेली बेसिस पे हम इसको करेंगे. कम से कम 30 minutes का सेशन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. हमारा पर्पस क्या है, आपका जो सिलेबस है करंट अफेयर का वो पूरा होना चाहिए. दिस इज आवर जेन्युइन रीजन. ओके, एनी क्वेरीज, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछ सकते हैं गाइज. एनी क्वेरीज? या वी आर स्टार्टिंग. प्लीज मेक द नोट्स. या डेफिनेटली यू कैन रिलाई दिस. दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बूस्टर फॉर योर प्रॉब्लम्स. ओके, एंड अगेन यू ऑल नो कि हम सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं. And again this session is presented by me, and you know that आप Unacademy पे भी हमें join कर सकते हैं जहाँ पे dedicated course चल रहे हैं. And this is the structure. आप code use कर सकते हैं LIVERB, definitely discount के लिए code आप use कर सकते हैं LIVERB. And this is for 1 year 2 year. आपका जो course है उसके अंदर prelims, mains, interview, optional, everything is completed guys, everything is completed. So go for this course. And if you have any query, please let me know. You can contact me, okay, on this number. This is the number, please note this down. And this is the Telegram group. You all please join this group, UPSC_Rahul Bhardwaj. UPSC_Rahul Bhardwaj, to get all the updates and related informations. ठीक है ना? So let's begin. Let's begin. आप अपने notes बनाते चलिए, वो आपको help करेगा चीजों को remember करने में और आपकी preparation को help करेगा. ठीक है ना? PDF को भी अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी. संडे को भी आपकी क्लास होगी. ये क्लास आपकी डेली बेसिस पे हो रही है गाइस. ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, एटलीस्ट डू दिस मच एफर्ट. ओके, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस 2 years of current affairs. Try to make the notes. We will also try to provide all these kind of things. ठीक है ना, notes and all. But आपको भी यहाँ पे बनाना है ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहे, आप चीजें ज्यादा याद कर सके, आपको रिटेन ज्यादा हो सके. दिस इज द पर्पस. ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो कम ऑन गाइस, शुड वी स्टार्ट? ऑल आर हियर. इट इज यूजफुल फॉर, लेट मी टेल ऑल द स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है 2020, 2021 एंड 2022, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारा जो करंट अफेयर होता है उसमें से क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट होता है, रिपीट होती है बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेस्टलैंड एटलस है, देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये मैं 2020 में हेल्पफुल होगा या 2021 में होगा या 2022 में हो रहा है, तो मैं बता दूं देखिए एग्जांपल यहीं पे है, आपका जो टॉपिक है वेस्टलैंड एटलस हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसके जो प्रीवियस एडिशंस हैं 4 एडिशंस आ चुके हैं, और यही स्टेटमेंट आपको पीटी में भी मिल जाएगा, पीटी में क्वेश्चन होगा तो वेस्टलैंड एटलस के जो 4 एडिशन है वो इसी ईयर में रहे हैं, या पहले 4 एडिशन रिलीज हो चुके हैं, ये 5वां एडिशन है, इस तरह से। तो जिन्होंने पहले इसको किया हुआ है कवर, फॉर एग्जांपल 2019 में, क्योंकि आपका जो वेस्टलैंड एटलस ये जो रिलीज हुआ है, ओके, सो यहाँ पे जिन्होंने भी इसको किया हुआ है वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमने पहले पढ़ रखा है, तो इनको यहाँ पे टाइम कम लगेगा कवर करना। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका 2020 में भी हेल्प कर रहा है, और ये जो नोट्स बनेंगे ना आपके हमेशा काम में आने वाले हैं, और बहुत ही क्वालिटी आपका मटेरियल रहने वाला है। कंपटीशन में आपको इतना एडवांटेज देगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सो लेट्स बिगिन गाइज। व्हाट वेस्टलैंड एटलस है आपका, ठीक है ना। वेस्टलैंड एटलस क्या होता है? ओके, ये आपकी वेस्टलैंड है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक ये क्या होती है, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड। बैरन मतलब जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि कह दीजिए या अनकल्टिवेटेड लैंड कह दीजिए, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप अनप्रोडक्टिव होती है, मतलब आप कुछ भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, आप कोई क्रॉप वहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कल्टीवेट एनी क्रॉप विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल। इट इंक्लूड्स डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ओवरग्रेज पास्चर्स, ठीक है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट होंगे आपके, ड्रॉट स्टक पास्चर्स, पास्चर्स मतलब चारागाह, इरोडेड वैलीज हैं आपकी, हिली स्लॉप्स हैं, जो चंबल के अपने डाकुओं का नाम सुना है ना, रेवाइंस होते हैं वो, ठीक है, चंबल के जो बीहड़ हैं, आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में भी आता है, ठीक है, चंबल के डाकू एंड ऑल। सो ये जो चंबल के बीहड़ हैं, अगर आपने किसी बॉलीवुड मूवी में देखा है, जिन्हें रेवाइंस कहा जाता है, चंबल के रेवाइंस, ये सब क्या है, ये आपकी वेस्टलैंड के अंदर आती है, ठीक है ना। मार्शी लैंड्स हो गई, बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि, ऑल दीज इंक्लूड इन टू द बैरन लैंड्स। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए बैरन लैंड क्या होती है, बिकॉज दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि वेस्टलैंड एटलस का 5वां एडिशन यहाँ पे आया है, इंडिया की वेस्टलैंड एटलस की बात हो रही है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, 5वां एडिशन, और इसको रिलीज किसने किया है ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने दिया होगा, वेस्टलैंड की बात हो रही है, ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड ऑल यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है लैंड रिसोर्स, वो इसको रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये 5वां एडिशन है, ठीक है। वेस्टलैंड क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। सो मूव टू दिस नेक्स्ट वन। इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके आईएएस के प्रीलिम्स में। देखिए हम वो फैक्ट ले रहे हैं जो कि आईएएस में पूछे जाते हैं, क्योंकि फैक्ट इंफॉर्मेशन बहुत सारी है आपके पास, इंफॉर्मेशन की कहीं पे भी कमी नहीं है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू द इनपुट्स जो कि आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसने इसको कोलाबरेट किया हुआ है, मतलब ये जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इन्वॉल्व है आपकी रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो हर टॉपिक होगा उसमें 5-6 फैक्ट होंगे, ठीक है ना, एटलीस्ट 4 से 5 मैक्सिमम होंगे। तो ये आपके लिए और इजी कर दिया हमने, ठीक है ना। आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए, टॉपिक लिखिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हाईलाइट कर दीजिए, ओके, या हाईलाइट भी कर देते हैं, दैट्स ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बट अगेन आई वॉन्ट बी एबल टू राइट दैट क्वेश्चन, आई मीन राइट नहीं कर पाऊंगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग, तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाईलाइट में कर रहा हूँ, ओके, प्लीज। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द थिंग, ओके, 5वां एडिशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको बस नोट कीजिए। अब वेस्टलैंड एटलस लिखा, फिर आपने 5वां एडिशन लिखा, फिर आपने लिखा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पूरी लाइनें नहीं लिखनी है, ठीक है ना। फिर आपने लिख लिया प्रीवियसली 4 एडिशन थे, तो ये आपको बस ध्यान हो जाएगा 5वां एडिशन है, तो इससे पहले 4 एडिशन भी आए हैं, और ये इंडिया के वेस्टलैंड एटलस की बात हुई। ये तो समझने की चीज़ है, ठीक है ना, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, की वर्ड है अगर आप लिखना चाहें तो, ओके, दिस इज द की वर्ड। एंड इसमें आप लिखिए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये इन्वॉल्व है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज राइट कि आपका जो कैरी आउट किया गया है इसमें कौन सा है, आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज किया गया है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो वहां पे स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आपका वेस्टलैंड एटलस आया है अभी 5th एडिशन, इसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज किया है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने यूज किया, इस तरह से स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आगे आने वाले टॉपिक में हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपको नोट्स में लिखना है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, प्लीज पे अटेंशन, जो आपको नोट्स में लिखना है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, और जो चीज एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो करना क्या है, आपको पहले समझ लेना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है ट्रैफिक, तो आप पहले नोट्स मत बनाइए, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे सभी को मैं एक बार कहना चाहूंगा, नोट्स बनाने में थोड़ा इश्यू हो रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, या नोट्स बनाने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है आप लोगों को। सो प्लीज लेट मी टेल यू कि मैं पहले जो है टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में फिर जब मैं हाईलाइट करूं तब आप अपने नोट्स बना लीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप नोट्स बनाने में रह जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं रहेगा, तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, रिटेन नहीं रहेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे टॉपिक से। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिले, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इस तरह से जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया हाईलाइट कर दूंगा। आने वाले जितनी भी क्लास होगी यही हम शेड्यूल फॉलो करेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अगेन। आपका जो ठीक है, अगेन आपका एक और इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक पूरा नहीं लिख के केवल एक्रोनिम को लिख देगा, अभी लिखना नहीं है कुछ, पहले समझ लीजिए फिर मैं हाईलाइट कर दूंगा। हेडिंग आप डाल सकते हैं टॉपिक की, ओके। तो ट्रैफिक क्या है आपका, ट्रैफिक है एक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, जो कि ज्वाइंट प्रोग्राम है WWF ओके और IUCN का, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ यू हैव दिस ट्रैफिक, क्या है, एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब NGO है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, कुछ भी दे दिया, फिर पूछा ये NGO है या यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक NGO है और ये किस बारे में वर्क कर रहा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटर कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ जो होती है, फॉर एग्जांपल आपके एलिफेंट्स हैं, तो एलिफेंट्स का क्या होता है, टस्क होता है, मतलब हाथी दांत जो होते हैं, हाथी दांत की क्या होती है, तस्करी होती है, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग होती है, इसलिए क्या होता है, एलिफेंट्स को मारा जाता है। इसी तरह से हर जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप टाइगर की बात कर रहे हैं, टाइगर्स की आप बात कर लीजिए, इसी तरह से आप राइनोस की बात कर लीजिए, ठीक है ना, राइनोस की आप बात करेंगे, टाइगर्स की आप बात करेंगे, एलिफेंट्स की आप बात करेंगे। तो जितनी भी ये इस तरह की स्पीशीज हैं, इनको किल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम इनका ट्रेड ही बंद कर दें, मान लीजिए टस्क जो है हाथी दांत का ट्रेड बंद कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि हाथी को मारने के लिए कहाँ पे जरूरत पड़ रही है आपको, उसका टस्क जो है हाथी दांत की डिमांड ही नहीं है, वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। तो जो हंटर्स हैं या जो भी इलीगल तरीके से उनकी पॉचिंग की जा रही है, मतलब उनको मारा जा रहा है, तो उसका कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, आप क्या करोगे जब वो बिकी नहीं रहे। सो दिस इज द पर्पस बिहाइंड दिस ट्रैफिक इनिशिएटिव, ठीक है ना, ट्रैफिक का ये इनिशिएटिव है जो कि बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके बाद में मैं यहाँ पे इसी पे वापस आऊंगा और हाईलाइट करके आपको नोट्स पुट करवा दूंगा। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस, ओके गाइज, आर यू गेटिंग दम, मजा आ रहा है ना आपको, प्लीज लेट मी नो। सुबह सुबह का टाइम है, सुस्ती आ रही है या मजा आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, कमेंट करके बता दीजिए आप। दिस इज द एक्रोनिम ना, ट्रैफिक एक्रोनिम ही है आपका। ट्रैफिक के नाम से ही इसको जाना जाता है, नॉट एनी, इसमें यही ध्यान रखना है, ट्रैफिक आएगा तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ओके गाइज, या हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, ओके थोड़ा सा जोश दिखाइए, क्योंकि हम बहुत यहाँ पे बहुत सारा कवरेज करने वाले हैं और ये रेगुलर रहेगी, डेली बेसिस पे क्लास रहने वाली है गाइस, डेली रहेगी मंडे टू संडे। और इसका पर्पस ये है कि संडे भी हमने ऑफ नहीं लिया है, क्योंकि पर्पस ये है आपका एग्जाम पास में है, हम चाहते हैं आपका सारा कवरेज हो जाए, क्योंकि पर्पस ये है कि जब IAS प्रीलिम्स का पेपर आए तो हम ये कह सकें कि इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। दिस इज द काइंड ऑफ लेवल वी आर ट्राइंग टू मैच, कि इतने क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हमारे सिलेबस से यहाँ पे अप्रोच हुए हैं, आपको समझ रहे हैं ना आप। ओके दिव्या, ओके ठीक है, सो ट्राई टू बी रेगुलर, डेली बेसिस पे आप यहाँ पे हम मिलेंगे डेली बेसिस पे 7 AM पे, ठीक है। आपका सेशन 7 to 7:30 का प्लान किया गया है, लेकिन हम टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, टाइम बढ़ा सकते हैं पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो दिस इज द थिंग, वापस आके मैं नोट्स आपको प्रिपेयर करा दूंगा, अभी मैं समझा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे दो आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं दो, तो हो सकता है आपने पढ़ा भी हो और काफी सारे बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको हो सकता है याद ना हो। तो IUCN ऑर्गेनाइजेशन है, आई होप आपको पता होगा कि IUCN क्या करता है। प्लीज लेट मी नो कमेंट, मैं सभी के देख रहा हूँ कमेंट, ठीक है ना। या WWF इज फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वॉइस इज क्लियर ना, इको तो नहीं कर रहा है आपको, बिकॉज कुछ दिनों तक क्या है कोरोना वायरस एंड ऑल की वजह से स्टूडियो तक पहुंचना मुश्किल है, बिकॉज वी नीड टू बी सेफ ताकि आपकी लर्निंग सफर ना हो। ओके ग्रेट अश्विनी, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सो IUCN बेसिकली क्या होता है आपका, जो कि रेड लिस्ट आती है ना आपकी, जो क्रिटिकली एंडेंजर है, बार बार न्यूज में आता है, ये एनिमल है क्रिटिकली एंडेंजर हो गया, एक्सटिंक्ट होने वाला है। ओके ये एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। और एनिमल पे आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन होते हैं, और जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बड़ा मुश्किल हो जाती है कि सर पता नहीं कहाँ से आ गया ये एनिमल्स, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, एनिमल्स वाली एंड ऑल। तो क्रिटिकली एंडेंजर एनिमल कौन सा है, एक्सटिंक्ट कौन सा होने वाला है ना, इस तरह के एनिमल्स की जो लिस्ट निकाली जाती है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। आई होप आपको पता होगा, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है IUCN जो रेड लिस्ट निकालता है उसमें थ्रीट परसेप्शन होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एनिमल है, उसको थ्रीट है तो वो वल्नरेबल होगा, ठीक है, या फिर एंडेंजर होगा, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर होगा। इनका क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको IUCN की बात हो रही है, तो IUCN ध्यान रखना है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। अब इसका जो एरिया है जहां से क्वेश्चन पुट होगा, ठीक है ना, जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी ध्यान देना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बट क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट हो जाएगा कि IUCN जो है आपका, ठीक है ना, आपको पता है रेड डेटा बुक ये देता है, रेड लिस्ट देता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत भी करके आते हैं, मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन आता है कि क्लाइमेट चेंज को भी ये एड्रेस कर रहा है, इसका प्रायोरिटी एरिया क्या है, मतलब समझ रहे हैं आप। IUCN आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है इसका एक प्राइमरी एरिया है। तो आपको तो बायोडाइवर्सिटी पता है कि क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज बताता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके प्रायोरिटी एरिया क्या है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग एंड ग्रीन इकोनॉमी, ये सभी क्या है इसके प्रायोरिटी एरिया है। तो अगर ऑप्शन आता है आपके एग्जाम में कि क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन वेलबींग या सस्टेनेबल एनर्जी, आप देखेंगे यार एनर्जी कहाँ से आ गया, बात तो एनिमल्स की हो रही है, एनर्जी को क्यों बीच में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से यूपीएससी कंफ्यूज आपको करता है। ओके एंड प्लीज नोट दिस डाउन, आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, IUCN का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। ओके दिस फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्विट्जरलैंड आप लिख लीजिए। देखिए वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी बहुत हार्ड बनाना हो तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो आप तैयार रहिए पहले से। एंड IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, ये 3 चीजें नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके थोड़ी स्पीड बढ़ाइए लिखने की, मेंस में बहुत काम में आने वाली है आपको, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस भी लिखना पड़ेगा, वहां पे राइटिंग स्पीड बहुत काम आती है पेपर को कंप्लीट करने में। प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी एरिया चारों पांचों, ये जो 5 प्रायोरिटी एरिया सारे लिख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में लिख लीजिए, क्लाइमेट चेंज को सीसी कर दिया, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग और ग्रीन इकोनॉमी। सो लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। देखिए इसको बॉर्न कन्वेंशन कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। ब्रैकेट में आप बॉर्न कन्वेंशन लिख लीजिए, CMS का फुल फॉर्म लिख लीजिए और ब्रैकेट में बॉर्न कन्वेंशन आप लिख लीजिए। ट्रैफिक का हाईलाइट बता दिया है मैंने आपको, ठीक है ना, एक बार फिर से जिनका छूट गया, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग एंड ग्रीन इकोनॉमी। ओके बॉर्न कन्वेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ये इसका पूरा नाम है। तो जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज होंगी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है, ऐसा नहीं है कि केवल बर्ड्स ही यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन, सारी जो माइग्रेटरी स्पीशीज है। इसमें क्या है स्टूडेंट, पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ये आपको लोगो दिख रहा है, COP 13 कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है, मतलब इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जितने भी इसके मेंबर हैं, बॉन कन्वेंशन के जितने भी मेंबर हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है 13 वाली, वो इंडिया में हुई है। और आई होप आपको पता होगा कि जो गिबी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो गिबी है, मतलब इसका जो वो है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये किसकी है, बता सकते हैं कि आप कौन है ये पिक्चर में? ओके नाउ द पेन इज देयर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इशू होता है, देखिए पेन टैप पे। सो जब तक कोरोना वायरस है 1-2 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके तो बता सकते हैं ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ओके दिस मस्कट, किसका पिक्चर है? डू यू नो दिस? प्लीज लेट मी नो। गिबी, द ग्रेट गिबी कहा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ठीक है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये। और आपको पता होगा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली एंडेंजर हो चुका है, आई होप यू ऑल नो। अभी जो हमने IUCN की बात की थी ना, वहाँ पे IUCN में ये क्रिटिकली एंडेंजर की कैटेगरी में है। तो हम जब क्वेश्चंस भी देखेंगे, देखिए हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम देखेंगे, ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा हो, ठीक है ना, ज़्यादा हम एग्जाम को अच्छे से डील कर सकें, इसलिए क्वेश्चन वगैरह ये सब हम लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली एंडेंजर हो चुका है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड नाउ दिस इज CMS इज नॉन एज दिस बॉर्न कन्वेंशन। इसमें क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, मतलब जो लैंड पे रह रहे हैं, जो पानी में रह रहे हैं, एंड एवियन मतलब जो बर्ड स्पीशीज हैं, सभी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। ऐसा नहीं है आपने बर्ड देख लिया तो बर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज ही होगा। एंड दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी, ओके, अंडर द एजीज ऑफ UNEP। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये UNEP के अंडर में आता है। एंड दिस इज द ओनली, मैं हाईलाइट कर रहा हूं अगेन, द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन जो कि माइग्रेटरी स्पीशीज को, ये जो ओनली वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है, ओनली वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे, यस ओनली वर्ड जो आ गया है, ओनली वर्ड आ रहा है। देखिए अभी आपने जितना हाईलाइट किया कर लीजिए। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, और ये है आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में है। ये दो फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन, आपका हांगकांग कन्वेंशन ऑन फॉर शिप रिसाइकलिंग है, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली इसको एक्सेप्ट किया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है ये हांगकांग कन्वेंशन। ये वर्ड ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग, ये हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिए। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इंडिया हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया ने। एंड इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि इसकी जो शिप होते हैं उनकी सेफ रिसाइकलिंग करना, ठीक है ना, एनवायरमेंटली साउंड, मतलब एनवायरमेंटल के एस्पेक्टिव से। एंड द कन्वेंशन इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट रिसाइकलिंग शिप्स डज नॉट पॉज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना, हेल्थ और एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो कोई भी शिप है, मान लीजिए खराब हो गया है, कंडेम हो गया है वो, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ध्यान देना आप, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, एक मिनट, ओके, तो ह्यूमन हेल्थ का एस्पेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी आपके डेवलप्ड नेशन हैं, डेवलप्ड नेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, डंपिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने देखा होगा आपकी सिटी या कोई होता है तो वहां पे जहाँ पे जो ये होती है स्लम्स होती है, झुग्गियां या ये जो होती हैं, झुग्गियाँ एंड ऑल होती है, ठीक है ना, झुग्गी बस्ती होती है, कच्ची बस्ती होती है, तो आप देखेंगे वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, जितनी भी पॉश कॉलोनीज हैं या जहाँ से कचरा आपका डेली कलेक्ट हो रहा है उसको डंप कहाँ कर देते हैं, स्लम के अंदर, स्लम्स में डंप कर देते हैं आप। तो इस तरह से जो डेवलप्ड नेशन है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक हैं, वो क्या करते हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या बहुत ही गरीब जो देश हैं वहाँ पर ये डंपिंग करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये डंपिंग, इनको स्लम यार्ड नहीं बनाए, जो गरीब कंट्री है उसको स्लम मत बना दीजिए आप। इसके लिए क्या है, आपका जो हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग बनाया गया। लेकिन जो हांगकांग कन्वेंशन है ये केवल और केवल शिप से रिलेटेड जो कचरा है, मतलब ठीक है ना, इसकी जो रिसाइकलिंग है, शिप से रिलेटेड जो आपका वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना, उसको एड्रेस कर रहा है। लेकिन बाकी कचरे का क्या, ठीक है ना, डंपिंग तो सभी की हो रही है, वेस्ट, बाकी वेस्ट का क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बाकी वेस्ट का क्या हो रहा है। बाकी वेस्ट जो है आपका बेसल कन्वेंशन, ये जो है ना बेसल कन्वेंशन, इसके अंडर में आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी बाकी वेस्ट होगा उसको बेसल कन्वेंशन में कंसिडर किया जाएगा। बेसल कन्वेंशन हम पढ़ेंगे, पहले आप हांगकांग कन्वेंशन लिख लीजिए फॉर शिप रिसाइकलिंग, ठीक है। अब आप लिख लीजिए इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिसाइकलिंग की जा रही है ताकि एनवायरमेंटल और हेल्थ एस्पेक्टिव दोनों एड्रेस हो सके। इंडिया इसकी पार्टी है, इंडिया इसकी पार्टी है। एंड इट वॉज अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईओएमओ ने 2009 में इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज नोट डाउन। एंड डेफिनेटली इसके अंदर जो आपका बेसल कन्वेंशन है उसका भी इनपुट इन्वॉल्व है। तो ये जो बेसल कन्वेंशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये ऐसा, ये करंट का तो है टॉपिक, लेकिन ये हमेशा आपके काम में आएगा जब भी आप एग्जाम देंगे। सो बेसल कन्वेंशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो स्लम यार्ड बना लेते हैं, ठीक है ना, डंपिंग करते हैं। डेवलप्ड नेशन जो है, अमीर देश गरीब देशों के अंदर कचरा भेज देते हैं, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। देखिए मैं हाईलाइट की जगह इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप वो लिख लें, क्योंकि बार बार यहाँ पे चेंज करने से हमें क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है। एंड वी वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, ताकि आपका जो टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जब तक हम स्टूडियो पे नहीं जाते हैं। कल आपका जनता कर्फ्यू रहेगा, कल अगेन बंद रहेगा, तो ये 1-2 दिन जो है हम एडजस्ट करते हैं। Then again we will be back to the studio hopefully, अगर सब कुछ सही रहता है, ठीक है ना, कोरोना वायरस एंड ऑल। तो आप भी घर में ही रहें, सेफ रहें। और कल तो आपको पूरा जनता कर्फ्यू फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा चेन है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है ना, 24 आवर्स में। क्योंकि आपका जो वायरस है, वायरस आपका रहता है तो वो अराउंड कुछ घंटे तक ही रहता है। आपको पता होगा वायरस जो होते हैं, वायरस को क्या चाहिए, लिविंग सेल चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो अगर उसको लिविंग सेल नहीं मिल रहा है तो वो फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों में ही डेड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करेंगे, 24 आवर्स का एक कर्फ्यू फॉलो किया, तो ये जो चेन है, इन्फेक्शन की जो चेन है, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और हमारे पास में इटली जैसा या ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 1.3 बिलियन पीपल है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ओके ओके गाइस, तो बेसल कन्वेंशन क्या कर रहा है आपका, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। मतलब क्या हो रहा है, हजार्डस वेस्ट ऐसा कचरा जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते ही आपके प्रीलिम्स में क्या ऑप्शन आएगा कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इट डज नॉट, प्लीज पे अटेंशन, जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी ध्यान दे देना, इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है हजार्डस वेस्ट, तो आप लिखेंगे हाँ यार, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी तो सबसे ज्यादा हजार्डस तो यही होता है, मतलब नुकसानदायक यही होता है हेल्थ के लिए, तो ये तो आएगा ही आएगा। और फिर आप घर पे आके देखेंगे गलत हो गया, अरे सर गलत हो गया। तो ये ध्यान देना है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को इंक्लूड नहीं करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपको, डेवलप्ड कंट्रीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कचरा इस तरह का वेस्ट डंप करते हैं। अब ये किस किस को इंक्लूड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो पहला जो मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव वेस्ट को तो नहीं करेगा, आपका कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को, ठीक है ना, हेल्थ केयर वेस्ट को, जो कि इस तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं, लाइक आपका जो जीका वायरस है, इबोला एंड ऑल, ठीक है ना, ये आपका कोरोना वायरस है। तो बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूरे प्लेनेट में जितने भी लोग हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। यूज्ड ऑयल्स की बात हो रही है, ठीक है ना, एंड लेड एसिड बैटरीज, बेसिकली यहाँ पे ये ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। एग्जाम्पल्स की बात की है तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टू दिस UNCCD, ठीक है। हर क्लास आपकी, अगली क्लास, पिछली क्लास, सब आपकी कनेक्टेड हैं, ऑल क्लासेज आर कनेक्टेड। तो कल एक आपका ये आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD की बात हुई थी, तो इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ऐड कर देते हैं, ठीक है। UNCCD क्या है आपका, 94 में ऐड हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब आपका जो डेजर्ट बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे था, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन है। एंड दिस इज द लीगली बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ तो सबने लिया है लेकिन जो कीवर्ड आपको याद रख लेना है, क्योंकि याद आप लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। दिस इज लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना, सोल मतलब ओनली लीगली बाइंडिंग। या लास्ट क्लास में था, इंडिया ने सही कहा है, ठीक है, लास्ट क्लास में था, तो हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे, वैल्यू ऐड करते जाएंगे एक के ऊपर एक, तो आपके पास में लास्ट में इतना अच्छा एक वो हो जाएगा नोट्स का एंड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ठीक है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प हो, ठीक है। लीगली बाइंडिंग है ये ध्यान रखना है, और बेसिकली इसका काम क्या है, कॉम्बैट करना डेजर्टिफिकेशन को, लैंड मैनेजमेंट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि ये बॉटम अप अप्रोच है, ये जो कीवर्ड है ना, मैंने बॉक्स बना दिए हैं, ये लिख लेना आप, बॉक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं क्योंकि बार बार यहाँ पे चेंज करने में इशू हो रहा है पेन एंड हाईलाइट में, ठीक है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो दूसरा आपको, पहला तो है लीगली बाइंडिंग, सेकंड है आपका बॉटम अप अप्रोच, मतलब बॉटम पे आपका क्या है, कम्युनिटी, मतलब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, लोकल पीपल। टॉप पे क्या है आपके, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कम्युनिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब बॉटम से अप जा रहा है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा रहेगा, लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे, पार्टिसिपेशन ज्यादा है। नाउ यू हैव दिस यूएनसीसीडी, ये जो है वन ऑफ द रियो कन्वेंशंस। रियो कन्वेंशन क्या है, रियो आपकी जो समिट हुई थी, रियो आपकी समिट हुई थी एनवायरमेंटल समिट 1992 में, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, अर्थ समिट भी कहा जाता है, वैसे हम इसको भी कर लेंगे, ये स्टैटिक पार्ट है, देखिए स्टैटिक पार्ट है अगेन, लेकिन ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रियो प्लस आपकी 2012 में था, रियो 20 प्लस, रियो कहते हैं, रियो डी जनेरियो एक जगह है, ठीक है ना, बताइए कहाँ पे, किसका कैपिटल है या कहाँ पे है, लीगली बाइंडिंग प्लस बॉटम अप अप्रोच। या वन ऑफ रियो, देखिए रियो कन्वेंशन में बहुत सारी चीजें हुई थी, एजेंडा 21 और ये, तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड दिस फोकसेस ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। एंड डेजर्टिफिकेशन का क्या है, ऐसा कोई डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो एरिड, सेमी एरिड एरिया है, ठीक है ना, वो सब डेजर्ट के अंदर आते हैं। सो लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन, चाइनीज पैडलफिश। ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइनीज पैडलफिश, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब ये लुप्त हो गई है, नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और ये जो आपकी यांग्ज़ रिवर जो है, ठीक है ना, यांग्ज़ रिवर है आपका, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, वहाँ पे ये मिलती थी। और देखिए आप 96 में इसको क्रिटिकली एंडेंजर किया गया था। इंपॉर्टेंट समझिए, IUCN की जो लिस्ट आती है जिसमें यूपीएससी पूछता है क्रिटिकली एंडेंजर कौन सा है, एंडेंजर कौन सा है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो ये देखिए 96 में क्रिटिकली एंडेंजर था और अभी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो अभी जो भी आपके क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घड़ियाल भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा आपका जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल आता है, आपका फॉरेस्ट आउलेट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, उनको हम कर लेंगे एक बार। तो ये क्या है, आने वाले टाइम में ये भी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने कवर किया था आपका जो PIB सेशन होता है 10 AM पे, उसमें पुंगनूर कैटल है आपका, वो भी एक्सटिंक्ट होने की तरफ ही जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट से वहाँ पे जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की हेल्प से उसको बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया गया। अभी उनके अराउंड 3000 जो है आपका जो कैटल है उसकी पॉपुलेशन है। सो इट वॉज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। तो आपको एक जो फैक्ट ध्यान में रखना है कि ये आपकी यांग्स रिवर में मिल रही है, ठीक है, वन, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट, एंड सेकेंड दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, तो ये दो फैक्ट आप याद रख लेना। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन, नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन आपका क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी आइज नहीं है, विदाउट आइज वो देख लेते हैं, इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन। तो इनमें क्या होगा, इनकी जो पूरी बॉडी होती है इस पर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी कोई आइज नहीं है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इनकी क्या होगी, आइज होगी, इस तरह से आइज होगी, तो ये देख रहा है लेकिन इसकी आइज नहीं है, बट ही कैन इट कैन ऑल्सो सी। तो ये जो विजन है इसको क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन। लेकिन ये किससे देख रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल हैं जिससे कि ये देख पा रहा है। एंड इसमें क्या होगा, द एबिलिटी टू सी विदाउट आइज इज नॉन एज एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया, विदाउट आइज से देखना। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रिटल स्टार्स हैं जो कि एक तरह की स्टारफिश की ही आपकी स्पीशीज हैं, और ये आपका जो ब्रिटल स्टार्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटल स्टार्स जो हैं इनका एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन होता है, बिना आइज के देख सकते हैं। एंड ये बेसिकली कहाँ रहते हैं, कोरल रीफ्स ऑफ कैरेबियन सी, ठीक है ना। और इससे पहले जो है किसके पास में एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन है, सी अर्चिन्स के पास में। तो ये दो स्पीशीज हैं, ठीक है ना। आपका रेड ब्रिटल स्टार ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन करके लिख लीजिए विदाउट आइज, और फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे रेड ब्रिटल स्टार, और सेकंड है आपका सी अर्चिन्स। ओके, अब आ जाइए आप ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स। ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स क्या है, इट वाज अनवील्ड इन द UNCCD COP14। UNCCD COP14, तो आ रहा है कुछ UNCCD से, याद आ रहा है कुछ? देखिए बार बार UNCCD आता, और अगर हमने UNCCD जो मैंने आपको 2 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, अगर वो नहीं पढ़ाता तो आप इतना रिलेट नहीं कर पाते इस वर्ड से, UNCCD से। अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए, तो अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो UNCCD की जो COP है, ठीक है, UNCCD की जो COP है 14, अगेन आपका कहां पे हुई थी बता सकते हैं आप? बता सकते हैं, रेड बिटल स्टार प्लस सी अर्चिन आपने लिखा है, सही है। या आप बता सकते हैं UNCCD जो है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कन्वेंशन जो है कॉम्बैट कर रहा है डेजर्टिफिकेशन को, कहां पे हुआ था, COP 14, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ है आपका 2019 में, तो इसको लिख लेना क्योंकि इंडिया में हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये कर क्या रहा है, जो ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स है इसको कहाँ पे अनवील किया गया था, मतलब बताया गया था, ये जो COP14 है यहाँ पे, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है ना। तो एक नॉलेज बैंक तैयार किया जाएगा इन्फॉर्मेशन से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे जो है वाटर डेफिशिएंसी है, तो हम ड्रॉट रिलेटेड जो आपके हजार्ड्स हैं, ठीक है ना, क्लाइमेटिक हजार्ड्स हैं, उनको डील कर सके। एंड इट इज डेवलप्ड थ्रू द क्लोज पार्टनरशिप अमंग द UNCCD, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनके शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए, ठीक है, पूरा मत लिखिए WMO एंड ऑल। ओके, दिल्ली बताया है हिमांशु ने, या दैट्स ग्रेट। अब यही जो आपका COP14 है, ठीक है ना, जो दिल्ली में हुआ है, यहीं पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। और ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका न्यू दिल्ली में UNCCD से रिलेटेड COP14 में हुआ था, ठीक है ना, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 है। एंड इट कम्स विद एन एक्शन प्लान टू सेव द प्लेनेट फ्रॉम लूजिंग मोर लैंड, ठीक है ना। लैंड को जो हम लूज कर रहे हैं, लैंड को लूज कैसे कर रहे हैं, अगर आपका कोई लैंड है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे पहले क्या था, हरियाली थी, मतलब पेड़ थे आपके, जो ट्रीज थे, ओके, क्रॉप्स थी, कुछ भी था। अभी वो क्या हो गया, बैरन लैंड हो गया। जो हमने वेस्ट लैंड शुरू में पढ़ा था वो क्या हो गया, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट बन गया, वेस्ट लैंड बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं लैंड को। तो इसको बचाने के लिए, और ये जो टारगेट है SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 का टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है आपका। एंड इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन दिस कम्युनिटी ड्रिवन, ठीक है, कम्युनिटी ड्रिवन है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जेंडर सेंसिटिव, ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल इन टूडेज ओके करंट अफेयर आपका जो कोर्स का सेशन था, और ये रेगुलर रहेगा। यहाँ पे अभी हम एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लास्ट 2 ईयर्स के। दिस इज अ वेरी बिग टास्क ओके। जिन्होंने कवर कर रखा है वो भी रेगुलर रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा इनपुट मिलेगा। ट्राई टू बी रेगुलर, तभी आपका जो है एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, आप एक दिन आ रहे नहीं आ रहे, इससे क्या है आपका एक सिस्टम बैठ जाएगा। डेली आपका 7 AM पे हमारे को आधा घंटा कवर करना है, आधा घंटे में आपका न्यूज़पेपर नहीं होता, और यहाँ पे हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। सो दिस इज द थिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस। मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं हो रहा है ओके ये बहुत लोगों का इश्यू आ रहा है। सो वी विल ट्राई टू एड्रेस इट। ठीक है ना, कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि किस तरह से, और एक पूरा तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इश्यूज आ रहा था कि आपका एनरोल नहीं कर पा रहे हैं जो आपका फ्री टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, 5 टेस्ट वहाँ पे दिए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल गाइज, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज स्टे सेफ। आप अपने घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें। दिस इज द रीजन कि आज हम पेन टैब पे पढ़ रहे हैं ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एंड subscribe to the Let's Crack UPSC CSC channel okay, to get more such awesome videos okay guys, all the best, God bless you all.